जन्मदिन है, लोहड़ी है, दिवाली है, या भाई का व्रत है ना, या फिर आपका कोई भी जो हिंदू माइथोलॉजी में इम्पोर्टेंट है ना, उसमें ये जो चीज है ना, ये तो ये सिर्फ लकीरें नहीं है, मतलब जो मर्जी कर दो आप। जैसे आपको मैं दिखाता हूं इधर, आपने सुना था रेखा खींच दी है ना, लक्ष्मण रेखा खींच दी और उसके लिए उसको क्रॉस नहीं कर सका कोई, तो वो लक्ष्मण रेखा लिखनो ही था। और उसका ये मतलब कितनी पावरफुल चीज ये है कि इसमें जो भी चीज है इसके सिंबल है सारे, ये ऐसे नहीं जो मर्जी बना दो, ऐसी बात नहीं है, हर चीज में कोई ना कोई इसकी वैल्यू है, हर चीज बना होता था है ना। वो दरवाजे पे बनाती थ्री डी, अब वो प्लास्टिक प्रिंटेड में जब आया धूम से चिपका दिया, तो वो चीजें हो गई, वो खत्म। चक्कर भी यंत्र या विष्णु चक्कर, बेसिकली जितने भी लिखणु है ना, लिखणु का मतलब है कि जिस भी परिवार में कोई शुभ कार्य हो रहा है, एक तो निर्विघ्न संपन्न हो और किसी तरह की कोई आपदा ना आए, तो ये हिंदू माइथोलॉजी में तीन चीजें थी, यंत्र तंत्र और मंत्र, ये यंत्र थे। उसके बाद तांत्रिक विद्या, उसके बाद मंत्र पढ़े जाते थे। अब तो सीधा मंत्र हो गया ना, बीच में दो चीजें मिसिंग हो गई, तो ये चीजें लोग पढ़ाते थे हर मौके के ऊपर, हर फंक्शन में, जैसे घर के बाहर है, घर के अंदर है, दीवारों के ऊपर है, आंगन के ऊपर है, तो ये लिखना है। ये है, ये कुलिंग आर्ट है, बच्चों को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना ग्रीटिंग कार्ड बनाने की, ये वो है। ये दूसरा क्राफ्ट है, जैसे बोतलें बेकार, I'm not afraid to die.
का उत्सव का आखिरी दिन है और शोभा सिंह जी का जन्मदिवस है आज 116वां। उसको मनाने के लिए हर साल हम यहाँ कोई ना कोई कला संबंधी आयोजन समारोह आयोजित करते हैं और इस दफा जो शोभा सिंह कला उत्सव है ये शोभा सिंह स्मारक कला सोसाइटी और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किया गया है और इसमें हमने तीन कार्यशालाएं लगाई। एक कार्यशाला 25 ग्रामीण महिलाओं के लिए थी जिसमें कला और शिल्प के बारे में ट्रेनिंग दी गई। एक कार्यशाला लिखनऊ के ऊपर थी जिसमें 10 युवतियों ने भाग लिया। लिखनऊ जिला कांगड़ा की एक ऐसी कला थी जो भीति और आंगन के ऊपर लेप करके लोग करते थे पहले, अब तो ये मृत प्राय है, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए ये हमने कार्यशाला लगाई और हमें बड़े उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं इसके। और जो गाँव के स्कूलों के बच्चे हैं ये हमने देखा कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे क्या जी दादी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में कर रही है। ये 24 नवंबर से हमने शुरू की है और 29 नवंबर तक चलेगी। 29 नवंबर को उनका जन्मदिन है तो बच्चों को हम 40 बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड की ट्रेनिंग दे रही हैं, 25 लेडीज़ को हम डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और 10 लेडीज़ को दे रहे हैं लिखने की ट्रेनिंग। तो बच्चों से इंटरेक्शन और बच्चों को पेंटिंग सिखाना किस तरह का अनुभव है? बच्चों को जब हम कुछ सिखाते हैं तो बच्चों से हम बड़ा कुछ सीखते हैं तो क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है तो इसलिए बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में किस तरह का जोश देखने को मिलता है? नहीं, बच्चे तो अपने बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाते हैं। जैसे आज देखो स्कूलों में तो छुट्टी है तो उनके टीचर भी नहीं आए लेकिन बच्चों में फिर भी उत्साह है कि वो जब टीचर्स के साथ आते तब 11 बजे आते हैं तो आज वो 9:30 बजे ही पहुँच गए। सब अपना नहा धो के अपने बड़े खुश। और हम बात करें जैसे ग्रामीण महिलाएं भी यहाँ आती हैं, आप उनको लिखनऊ वगैरह की कला भी सिखाती हैं तो कैसा अनुभव करती हैं आप? जो एक लुप्त होती हुई कला है उसको फिर से पुनर्जन्म देती हैं? एक्चुअली ना जब मैंने इसको पहले देखा तो मेरे को ये बड़ी डिफरेंट सी लगी। मैंने जानना चाहा कि ये क्या है तो जैसे मेरे को बताया गया कि ये मतलब कि जो अशुभ को ख़त्म करके शुभ के लिए किया जाता है। तो जैसे जन्मदिन का जो लिखनऊ बनाते हैं उसमें वो जो सात धाराएँ देती हैं तो वो लक्ष्मी श्री श्री प्रजा स्वाहा सरस्वती वगैरह के नाम से है तो उसके ऊपर जो धाराएँ दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि जो बच्चा है वो निरंतर तरक्की करता रहे। तो जो हर लिखनऊ है कुछ ना कुछ कहता है। तो जैसे जो दीपावली का लिखनऊ है तो उससे है कि घर में लक्ष्मी का वास है। इस तरह के कार्यक्रम में सबसे मुश्किल क्या काम है? इसमें हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि मैन पावर में। तो जैसे हमारी फैमिली ही सब करती है और सबसे ज़्यादा बोझ तो मेरे ऊपर ही पड़ता है लेकिन ये कि हमें करके सेटिस्फेक्शन होता है।